गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्थ्य फिजिक्स जोन। और आज हम वीडियो के अपने फिफ्थ पार्ट में हैं, जो कि हमारे चैप्टर 13 का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी सॉलेनाइड की वजह से कैसे क्रिएट होता है। उसके लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि सॉलेनाइड क्या होता है। तो हम सॉलेनाइड को बाई डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, कि सॉलेनाइड क्या होता है। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड सॉलेनाइड। सॉलेनाइड का क्या मतलब होता है कि किसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, मतलब इसको क्या किया गया है, ये हम एक कॉइल लिए हैं, ठीक, और कॉइल को क्या किए हैं, उस पर हम एक मतलब कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या करते गए हैं, रैप करते गए, मतलब उसको लपेटते गए हैं। और वहाँ पर जिस पे लपेट रहे हैं वो किस शेप का है, हमारा सिलेंडर शेप का। ये जो कॉइल है, यहाँ पर एक सिलेंडर यूजुअली लगी होती है, इस सिलेंडर के हेल्प पर मतलब ये कॉइल रहती है, और इसी कॉइल पर फिर हम क्या करते हैं, इसको टर्न बढ़ाते चले जाते हैं। मतलब ये हमारा कुछ ऐसे होगा सिलेंडर शेप का, उस पर हम क्या करेंगे, कॉपर वायर को क्या करेंगे, बार बार ऐसे लपेटेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पूरा डायग्राम इस तरह बनेगा। तो इसको इस तरह शो करके दिखाया गया है कि यहाँ पर ये जो बार बार लपेटा गया है, ये हमारा क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। और यहाँ पर इस सिलेंडर को इस फिगर में नहीं दिखाया गया है, इसको हटा दिया गया है, क्योंकि हमको जिससे ये पूरा क्लियर दिखे कि हमारा जो कॉपर वायर है वो किस तरह घुमाया गया है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर, अब इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्या मतलब है, यहाँ पर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर इसलिए किस लिए यूज़ करते हैं। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज़ यहाँ पर इसलिए है क्योंकि अगर इंसुलेटेड कॉपर वायर नहीं यूज़ करेंगे, इंसुलेटेड मतलब वहाँ पर करंट क्या हो, अगर ये हमारा कॉपर वायर है, इंसुलेटेड का मतलब इस पर हम क्या कर दिए, एक्स्ट्रा कवरिंग कर दिए हैं किसी इंसुलेटेड मटेरियल का। और यहाँ पर फिर ये बीच में हमारा क्या है, कॉपर वायर है। अगर यहाँ पर इंसुलेटेड कॉपर वायर नहीं लेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा एक तार से दूसरे तार में, और जब दूसरे तार में जाएगा तो यहाँ पर फिर करंट क्या करता है, करंट हमेशा अपना शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढता है, स्ट्रेट रास्ता ढूंढता है, जिससे वो आसानी से चला जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कॉइल जैसे ये है, ये है, ये है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ से इस रास्ते से ना जाकर क्या करेगा, इसी रास्ते में डायरेक्टली जाने की कोशिश करेगा। और जब एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जाने के, या एक राउंडिंग से दूसरे राउंडिंग में टर्न में जाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और हमारा जो मैग्नेट बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट अपना बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं यूजिंग अ सॉलेनाइड, वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हम इसीलिए क्या कर रहे हैं कि इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें क्या मिले, कि हमें जो हमारा करंट है वो शॉर्ट सर्किट ना क्रिएट करें हमारे किसी भी, मतलब यहाँ पर किसी भी टर्न में क्या हो, कि जो करंट है अपना शॉर्टेस्ट रास्ता ना ढूंढे। नहीं तो अगर शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढेगा तो शॉर्टेस्ट रास्ते की वजह से क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा हमारे, जो यहाँ पर हमारा सर्किट है उसमें। तो यहाँ पर फिर देखते हैं कि सॉलेनाइड, हमने देखा कि सॉलेनाइड क्या होता है, जनरली एक कॉइल होता है जिसमें क्या होता है, एक सिलेंडर लगी होती है आयरन की, जिसपे क्या किया गया रहता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा गया रहता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर को इसलिए लपेटा जाता है, और बार बार इसलिए लपेटा जाता है, क्योंकि क्या होगा, करंट जो होगा जितना ज़्यादा घूमेगा वो क्या करेगा, एक राउंड शेप में बनाता जाएगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, करंट जब बार बार टर्न होगा तो बार बार टर्निंग की वजह से वहाँ पर क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा। अब यहाँ पर पॉइंट, इसके कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं कि जिसके हेल्प से हम अपने नोट्स बना सकें या एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। उसमें पॉइंट ए ये दिए गए हैं, अ करंट कैरिंग सोलेनाइड प्रोड्यूसेस सिमिलर पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एज अ बार मैग्नेट, वन एंड ऑफ सोलेनाइड बिहेव एज द नॉर्थ पोल एंड अनदर एंड बिहेव्स एज द साउथ पोल। तो यहाँ पर सोलेनाइड क्या होता है तो हमने देखा, और सोलेनाइड में क्या प्रेजेंट होता है या क्या नहीं प्रेजेंट होता है, ये भी अब हम देखने जा रहे हैं कि सोलेनाइड में क्या होता है, साउथ और नॉर्थ पोल नहीं होते हैं, क्योंकि हम कोई मैग्नेट लगा के यहाँ पर साउथ और नॉर्थ पोल क्रिएट करें ऐसा नहीं होता। इसके अंदर में खुद से क्या होता है, साउथ और नॉर्थ पोल बन जाते हैं जब हम करंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि जैसे हम बार मैग्नेट में सिमिलर पैटर्न देख रहे थे ना, कि साउथ से ये हमारा क्या था, कि यहाँ पर साउथ अगर है, यहाँ पर नॉर्थ है, तो साउथ से क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा था और नॉर्थ में जा रहा था, साउथ से निकल कर क्या हो रहा था, नॉर्थ में जा रहा था, और यहाँ से साउथ से निकल कर फिर क्या हो रहा था, हमारा नॉर्थ में जा रहा था। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था वो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में जा रहा था। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारा डायरेक्शन कैसा है, लगातार कंटिन्यूअस यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टर्न कर रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से साउथ से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है।
तो यहाँ पर फिर हमने ये पॉइंट ए में देखा कि जो बार मैग्नेट है उसी की तरह हमारा क्या काम कर रहा है, सेम पैटर्न पे हमारा सोलेनाइड भी काम कर रहा है, उसी की तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। एक इंडिस का साउथ पोल हो जाएगा, दूसरा इंडिस का नॉर्थ पोल हो जाएगा जब हम इसमें से करंट फ्लो कराएंगे। और जब करंट नहीं फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर करंट जब यहाँ पर हमारी रुकी होगी तो साउथ और नॉर्थ पोल नहीं क्रिएट होंगे। जब करंट फ्लो होने लगेगा तो एक पोल हमारा साउथ हो जाएगा, दूसरा जनरली अपने आप ही नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ पर फिर बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनाइड सिमिलर टू अ बार मैग्नेट विच शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं किसमें? किसी भी सोलेनाइड में, जो कि कैसे? जैसे बार मैग्नेट में हमारा होता था कि हमने क्या देखा था कि बार बार टर्न होने पर यहाँ पर क्या होता था, ये एक दूसरे के कैसे रहते थे? पैरेलल रहते थे। तो सेम एज इट इज़ यहाँ भी हमारा क्या होगा? पैरेलल होगा। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर चाहे क्रिएट हो रहे हैं चाहे नीचे क्रिएट हो रहे हैं, वो एक दूसरे के क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने पर वहाँ पर क्या आएगा? इनका बहुत ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा डायरेक्शन आ जाएंगे, दो डायरेक्शन आ जाएंगे, और दो डायरेक्शन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए ये क्या होंगे? जैसे बार मैग्नेट में हमारा क्या होता था? पैरेलल रहते थे। इसी तरह ये भी क्या होंगे? यहाँ पर पैरेलल होंगे। किसमें? सोलेनाइड में। जैसे बार मैग्नेट में रहता था वैसे सोलेनाइड में भी हमारा क्या होगा? पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं। अब फिर हम यहाँ के आगे के दो पॉइंट्स देखते हैं कि आगे के दो पॉइंट्स हमने क्या लिख रखे हैं। जैसे हमने बार मैग्नेट में देखा था वैसे ही हमारा सी पॉइंट यहाँ पर है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। यहाँ पर क्या है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ाएंगे? अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हमको बढ़ाना है, दो लाइन चार लाइन तीन मान लीजिए दो से तीन जाना है, तीन से चार पाँच छः अगर हमको बढ़ाते जाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ाते जाना है, तो वहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा? ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स रखने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स करेंगे उतनी ज़्यादा क्या हमारा क्रिएट होगा वहाँ पर? उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा? अगर हम करंट की वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं, जैसे अगर दो एम्पियर दे रहे थे फिर तीन एम्पियर किए, चार एम्पियर किए, जैसे जैसे करंट की वैल्यू और यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे कॉपर वायर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर का, वहाँ पर फिर क्या होगा? हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे मिलेगी? हाई मिलती जाएगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यहाँ पर क्या कि जैसे जैसे हम एक चीज़ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे दूसरी चीज़ की वैल्यू हमको बढ़ती चली जाएगी, हमारी बढ़ती हुई मिलेगी हमको। फिर यहाँ पर डी पॉइंट देखते हैं। डी पॉइंट हमारा क्या आता है? डी पॉइंट में हमारा है बाय प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं हम किसके हेल्प से? सोलेनाइड के हेल्प से। कहाँ पर? इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। यहाँ पर जो इनसाइड द सोलेनाइड मतलब सोलेनाइड के अंदर में यहाँ पर जो ये हमारा सिस्टम है, सर्किट बना है, यहाँ पर जो हमारा अंदर की तरफ है, यहाँ पर अंदर की तरफ क्या क्रिएट हो रहे हैं? हमारे मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं अंदर के जो हमारे मटेरियल लगे हुए हैं इसके अंदर, इसी की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर ये किस तरह काम कर रहा है? एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। और मैग्नेट की तरह काम कर रहा है किसकी वजह से काम कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से काम कर रहा है मैग्नेट। अगर इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं देंगे तो वहाँ पर जो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं मिलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट होंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको चाहिए तो हमको करंट की वैल्यू देनी ही देनी पड़ेगी। अगर करंट की वैल्यू हम नहीं देंगे तो वो क्या होगा? हमारा मैग्नेट नहीं फॉर्म होगा। और जो हमारा यहाँ पर मैग्नेट फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ करंट, उसको हम किस नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम सोलेनाइड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जनरेट होता है उसको क्या नाम देंगे? हम इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा सोलेनाइड किसकी तरह वर्क कर रहा है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। तो इस टॉपिक में इतना ही फ्रेंड्स। जिसको भी अगर कोई दिक्कत हो इस टॉपिक में, हमको हमारे कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछें हमसे कि यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है किसको। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस पे कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।